गाइस हम लोग जा रहे हैं दशहरा का मेला घूमने, और ये है मेरी प्रीशा और उसकी मम्मी पिंक पहनी है। प्रीशा हेलो कर दो, हेलो हेलो हर हर महादेव कर दो, हर हर महादेव कर दो, चुप बोलेगी नहीं। तो हम लोग पहुंच गए हैं रेती चौक पे देखने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए कालीवाड़े की दुर्गा जी, दुर्गावाड़े की, सॉरी दुर्गावाड़े की दुर्गा जी। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और बहुत दिन बाद मैं दशहरे के मेले में गोरखपुर थी और मैं ये गई थी घूमने। अगर सामने मेरे चाट गोलगप्पे मिल रहे थे, इधर लिट्टी चोखा मिल रहा था, अच्छे जगह बैठे थे ना कि कुछ ना कुछ मिले ताकि बच्चे को वो ना लगे। इधर देखिए बहुत सारी मूर्ति कंधे पे गई थी, तो ये कंधे पे मूर्ति गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए ये लोग येलो येलो साड़ी पहनी है लड़कियाँ, ये सब डांस करेंगी। ये खिलौने की दुकान है और इधर हम लोग चल रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि और मूर्ति आएगी तो हम लोग देखेंगे। इधर देखिए ये बसंतपुर की मूर्ति आ रही है, वो आगे लोग का झंडा आ गया है, पीछे से ये देखिए ढोल ताशी आ गए हैं। तो ढोल ताशे बज रहे थे तो हम लोग को भी डांस करने का मन कर रहा था, बट हम लोग किए नहीं, बस पैर हिलक रहे थे। और पीछे से आ गया इसको डीजे, तो चलिए दिखाते हैं डीजे पे लोग डांस करते हैं। तो ये देखिए अरे डीजे भाई थोड़ा आगे बढ़ाओ, डांस दिखाओ भाई। इधर देखिए डांस हो रहा है, इधर भी लोग लेके चले हैं। बहुत सारी म्यूजिक थी इसी वजह से मैंने अभी को वॉइस डाला है, वहाँ की वॉइस नहीं डाल सकते थे। इधर बच्चे बैठ के देख रहे थे, एक जगह हम लोग बैठ गए थे देखने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमारे साथ बच्चे थे। फिर ये देखिए मूर्ति आ गई है और मूर्ति बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत है। मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है, जितना वीडियो में आ पाया मैंने उतना वीडियो लिया, मैं पहले थोड़ा सा क्लोज करके भी लिया। और ये देखिए माता रानी बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे, और माता जी दुर्गा जी तो सुंदर हैं ही, उनके जितने भी मतलब मूर्ति मैंने देखे उनका फेस इतना अच्छा मुझे लगता है ना, वाओ मतलब क्या ही बताएं। और देखिए एक फिर मूर्ति आ गई जो कि कंधे पे, कंधे वाली मूर्ति जल्दी जल्दी आती है चली जाती है, उतना देर में ही मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा था तो फिर जल्दी जल्दी में जितना हो पाया मैंने शूट किया आपको दिखाने के लिए, आप लोगों के लिए स्पेशली। मैं कैमरा लेके रहती थी कि जब मूर्ति आएगी तो मैं दिखाऊँगी आप लोग को। और इधर देखिए मातेश्वरी मंडल से मूर्ति आ गई है, मैं कोशिश कर रही थी कि आप लोग को ये भी दिखाऊं कि मूर्ति कहाँ से है, पर जितना हो पा रहा था मैं पूरा ट्राई कर रही थी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कंधे की मूर्ति थी, लोग थक गए थे तो थोड़ा देर के लिए मूर्ति रख के रेस्ट कर रहे थे। तो देखिए अब मूर्ति उन्होंने रेस्ट कर लिया था, अब उन्होंने कंधे पर मूर्ति उठा दी। सोचिए इतनी भारी भारी मूर्ति है, लोग अपने कंधे पे ले जा रहे थे, माता रानी के कितने भक्त हैं। देखिए जय हो माता रानी की, देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है और कितनी विशाल मूर्ति है। और ये देखिए ढोल वाले कुछ नए मुझे नज़र आए जिनको मैंने शूट कर लिया, नहीं देखो इनके ढोल वाले कुछ नए हैं। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, इधर पीछे से डीजे आ रहा था। तो आप भक्तों की भीड़ देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग के साथ बच्चे थे और हम लोग थे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए लोग साइड में बच्चों को लेके बैठ गए थे। अब
पीछे से डीजे आ रहा है, वहाँ पे देखिए सब लोग कितना झूम रहे हैं मस्ती में। तो इधर ये लोग भी झूम रहे थे और पीछे से डीजे लाइट भी देख रहे कितनी तेज से आ रही है। अब देखते हैं माता रानी को, कौन सी माता रानी आती है। ओ अभी तो मुझे वेट करना पड़ेगा, तो हम लोगों का वेट कर रहे थे। इधर माता रानी आ चुकी है और ये देखिए मोती। वाओ, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आप लोग ये ब्लॉग देखिएगा तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग माता रानी से प्यार करते हैं, उनके सच्चे भक्त हैं, तो आप लोग जय माता दी जरूर लिखिएगा जो भी ब्लॉग देखेगा। हाँ, इधर देखिए भक्तों की भीड़ कितनी ज़्यादा है और कितना मस्ती में वो लोग झूम रहे हैं, देखिए भाई आप लोग। जय माता दी, जय माता दी, जय। और इधर हम लोग चावल मंगा के भी खा रहे थे और मूर्ति भी देख रहे थे, इसका वीडियो शायद हम लोग नहीं शूट कर पाए। ये देखिए कितना बैग मूर्ति आ रही थी ना, तो सब बच्चों को भी देखना पड़ रहा था, पता नहीं ये प्राचीन मूर्ति है। ये लोग भी रेस्ट कर रहे थे, अब उठी मूर्ति। मुझे जुकाम हो गया थोड़ा, मेरी आवाज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि आवाज़ ख़राब है, तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा। इसमें मौसम चेंज चल रहा है, मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। इधर पे देखिए लड़कियाँ डांस कर रही थी, तो मैंने उसका वीडियो बनाया। माता रानी की मूर्ति है और इस साइड में डीजे है और इधर भक्त लोगों का डांस चल रहा था। इधर मेरी माता रानी आ गई, जो कि देख लीजिए ये कितनी खूबसूरत है। इनके जो पीछे पीछे छोटी छोटी मूर्ति लगी है बजरंग बली की, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो मूर्ति काफ़ी अच्छी लगी। फिर यहाँ औरतें एक गोल बना के डांस कर रही थी और पीछे से मूर्ति अभी आ रही थी, और उसके पहले लोग का डांस लगा था। हमको चलो पहले डांस का बना लेते, फिर माता रानी आएंगी तो बना लेंगे, तो कैमरा ऑन ही था। जैसे माता रानी आगे बढ़ी मैंने कैमरा इनके तरफ कर दिया और फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और माता रानी को देख के ना मेरे क्या ही बताया, कैसा मुझे फील हुआ। अरे इधर लोग घाट लिट्टी चोखा खा रहे थे और मेरे बाबू को भी मन किया तो हमने भी लिट्टी चोखा मंगाया। इधर माता रानी की मूर्ति आ रही थी, ऐसी जगह बैठे थे ना जहाँ बच्चे खाने को भी मिले और वो लोग मूर्ति भी अच्छे से देख ले, क्योंकि जानते हैं बच्चे हैं तो उन लोगों को खाने के लिए पहले चाहिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चाहिए। जय माता दी, जय माता दी, मूर्ति देख लीजिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। इधर भी देखिए मूर्ति आ गई और बहुत सुंदर मूर्ति थी। इधर भी भीड़ बहुत ज़्यादा लगी थी। एक तरफ हम लोग सोचे थे कि ना मूर्ति हम लोग भोर तक देखेंगे, क्योंकि हम लोग प्लान बनाए थे कि जहाँ हम लोग रहते नहीं हैं और इस बार हैं तो मूर्ति पूरी देखेंगे, पर बच्चे हम लोग के परेशान कर रहे थे, उन लोग को नींद आ रही थी और मच्छर लग रहा था बहुत ज़्यादा। आइए देखिए ये मूर्ति मुझे मेरे दिल को एकदम छू गई, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत मूर्ति लग रही थी कि मैं आप लोग को इनके बारे में क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत प्यारी लगी, जस्ट वाओ वाली मूर्ति थी। जिसने बनाया ना काफ़ी तारीफ़ के लायक है वो। ये देखिए मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और आप लोग भीड़ देख रहे हैं कि कितना अधिक भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इधर सब लोग डांस कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोग का डांस, तो मैं इन लोग का डांस का थोड़ा सा कॉपी अरे रिकॉर्डिंग कर ली, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए कितनी प्यारी, कितनी भीड़ है, कितना अच्छा लग रहा है।
और मुझे सब जगह बहुत अच्छा लगता है जाना, और मुझे दुर्गा जी गोरखपुर का देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैं नहीं रहा। और मैं इस बार थी तो मैं बहुत अच्छे से मूर्ति देख ली। कोई जाए चाहे ना जाए, मैं तो ज़रूर जाऊँगी देखने। इधर मेरी बेटी है दृष्टि, जो इन लोगों को मैं खिला रही हूँ, दिला रही हूँ खिलौना। लोगों का बच्चों का फरमाइश जानते हैं खिलौना, बिना खिलौना नहीं तो ये लोग रह नहीं सकते। और इधर देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, इधर हम लोग बैठे थे और इधर हम लोग ले हितांश के लिए बैलून, अब बच्चे लिए अपना लेज़र लाइट, अब हम लोग जा रहे हैं घर। और इधर हम लोग घर जाने से पहले मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लेते हैं परमल, तो हम लोग खाने लगे परमल। हम लोग खाते खाते परमल जा रहे हैं घर। अदा सारा घूम के हम लोग को बहुत 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 मज़ा आया। तो सब लोग बोलो प्रेम से जय माता दी।